हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बुक कंप्लीशन और सेल्फ स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आप लोग अगर स्कूल में जाते हो तो आपको पता है कि टीचर्स आपको होमवर्क देती है, उसमें आपको स्कूल में बुक कंप्लीट करना होता है। किसी किसी को वर्कबुक होता है या फिर नोटबुक होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। और दूसरी बात होती है सेल्फ स्टडी, मतलब हम खुद जो पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि बुक कंप्लीट कर दिया, आप घर में पेरेंट्स को दिखाते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करते हैं, वो बुक कंप्लीट करते बैठते हैं लेकिन पूरा टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उनका कुछ स्टडी होता नहीं है, सेल्फ स्टडी होता नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2-3 महीने ही बचे, या हम बोल सकते हैं कि 3-4 महीने बचे, और उसमें आपको पूरा बुक भी कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे और आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, रिविज़न भी करना है। तो आप किसको प्रायोरिटी दे सकते हो, क्या आप प्रायोरिटी किसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कंप्लीशन, अगर आप स्कूल में हो, 9th में हो, 8th में हो या फिर 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको पता है कि 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपका अटेंडेंस कैसा है स्कूल में, उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद बुक्स आप कंप्लीट करते हो कि नहीं। आप अगर साइंस में हो तो साइंस के जर्नल्स, उसका जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है तो ये सब आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं, और बाकी 80 मार्क्स होते हैं आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसका 80 मार्क्स होता है। ये हम सेमिस्टर और फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स में से बुक कंप्लीशन वाला सीन है, उसमें बहुत कम मार्क्स होते हैं, बहुत कम उसका शेयर होता है। लेकिन बुक कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। टीचर्स आपको जो 20 मार्क्स देती है, तो उनको अगर किसी ने कल क्वेश्चन किया तो उनको भी बताना पड़ता है कि ये बच्चे का बुक कंप्लीट था, ये बच्चे ने भी अच्छा बिहेवियर था इसका, थ्रू आउट द ईयर अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए मैंने उसको इतने मार्क्स दिए, नहीं तो उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना गलत है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कंप्लीशन एक आपका एक टाइप का रिवीजन है। अभी जिसने भी ये सिस्टम बनाया बुक कंप्लीशन, वो क्या बेवकूफ़ नहीं था, कुछ उसके पीछे रीज़न है। लेकिन क्या करते हैं, टीचर्स भी उस रीज़न जो है उसका उस ठीक तरीके से उसे यूज़ नहीं करते, और बच्चे भी उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते। मतलब बुक कंप्लीशन एक टाइप का रिवीजन है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका पढ़ाई हो गया, सपोज एक चैप्टर आपने पढ़ा और बाद में आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखे, क्वेश्चन आंसर्स बुक कंप्लीट किए, तो क्या होगा, उसमें आपका एक टाइप का रिवीजन होगा। जब भी हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक बार आपका रिवीजन हो जाता है उसमें। तो बुक कंप्लीशन करना एक टाइप का रिवीजन है। तो अगर आप बुक कंप्लीट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपका कोई चैप्टर पढ़ के हुआ, उसके बाद उस चैप्टर का बुक कंप्लीट करो, मतलब उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लिखो, उसका वर्कबुक है तो वर्कबुक कंप्लीट करो। तो इससे क्या होगा, आपका एक टाइप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये अच्छी बात होती है बुक कंप्लीट करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिवीजन कुछ नहीं करते, हम सीधा पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, और सीधा बुक कंप्लीट करना बैठ जाते हैं, डाइजेस्ट उठाते हैं और उस पूरा बुक कंप्लीट करने बैठ जाते हैं। घर वालों को भी लगता है कि बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ हमारी पढ़ाई होती नहीं है उसमें, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें, कुछ हमें समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपका पढ़ाई नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको बुक कंप्लीट करना है, तो क्या करना है कि जो सेकंड पॉइंट है, देखो, डोंट कंप्लीट बुक्स ड्यूरिंग प्राइम टाइम। प्राइम टाइम मतलब क्या, हमारा एक ऐसा टाइम होता है जब भी हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जब भी हमारा माइंड अलर्ट रहता है, और उस टाइम में अगर आपने पढ़ाई किया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसा जो टाइम होता है आपका, उसको आपको बुक कंप्लीट करने के लिए यूज़ नहीं करना है। आपका जो आपको अगर लग रहा है कि नहीं अभी मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है, तो आप ये बुक कंप्लीट सब कर सकते हो। अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइम टाइम को यूज़ मत करो बुक कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, जो आपको जो टाइम पढ़ाई के लिए यूज़ करना था उसमें आपने बुक कंप्लीट किया, तो कुछ यूज़ नहीं होने वाला आपका। उसके बाद सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तभी आपको पूरा आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये याद रखो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप कोई भी कोचिंग क्लासेस में जाओ, कोई भी स्कूल में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप जब तक खुद नहीं पढ़ते हो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो भी टॉपर्स होते हैं अच्छे अच्छे स्कूल के, कोचिंग क्लासेस के, ये खुद पढ़ाई करते हैं तभी उनको मार्क्स मिलते हैं। आपको पता होगा कि सेम स्कूल में, सेम क्लासरूम में सब लोग बैठे रहते हैं, लेकिन किसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि टीचर तो सेम पढ़ाती है, लेकिन मेन रीज़न क्या है कि वो बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करता है, खुद समझता है टॉपिक को, उसके बाद वो खुद सेल्फ स्टडी करता है। तो जो सेल्फ स्टडी करेगा, जो टॉपिक को समझेगा, उसे ही मार्क्स मिलने वाले। तो बुक कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा टाइम यूज़ मत करो। बुक तो कंप्लीट करना है लेकिन सजाते मत बैठो बुक को। उसमें आपको जो ज़्यादा टाइम आपका जो आपको लग रहा है कि टाइम अभी आपके पास है, आपको बोर हो रहा है, तो ऐसे टाइम में बुक कंप्लीट करो, लेकिन जो प्राइम टाइम है उसमें सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके बेसिस पे ही आपको परसेंटेज मिलने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।